बालाघाट विधायक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बालाघाट आरटीओ अनिमेश गढ़पाले को सार्वजनिक रूप से गालियां दी हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। भाजपा नेता की इस हरकत के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका स्वभाव रहा है और उनकी सोच को दर्शाता है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन से जुड़ा यह मामला लालबर्रा थाने में हुई बैठक का है, जहां सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत के बाद थाने में बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री बिसेन, लालबर्रा तहसीलदार रामबाबू देवांगन, थाना प्रभारी आरटीओ अनिमेश गढ़पाले, स्थानीय भाजपा नेता, ग्रामीण व मृतक के परिजन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। थाने में बैठक के दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि यहाँ गाड़ियां 100 की स्पीड से चलती हैं, पुलिस वाले चालान नहीं बनाते, वे 50-100 रुपए ले लेते हैं। इस पर पूर्व मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ता से कहा कि तुम पार्टी के होकर ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब कार्यकर्ता ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्षेत्र में यही चल रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने भाजपा कार्यकर्ता को समझाया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर पूर्व मंत्री आपा खो बैठे। उन्होंने मौके पर मौजूद अफसरों और ग्रामीणों पर नाराजगी जताई। एक भी मोटरसाइकिल मेरा 40 नहीं चलता, क्या बता रहे विरोध? चलते 40 कार चलती है, किसी गाड़ी चलती है? आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली मेरे कुशाले फादे में चला दूंगा मैं हमको। पूर्व मंत्री बिसेन ने कहा, आप लोग भी बड़ी तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, 60% से ज्यादा लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, एक भी बाइक वाला नियम से नहीं चलता, यहाँ जांच होती है, पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं, कहा गया आरटीओ सुन ले, आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा रफ्तार में चली तो तेरे को फांसी चढ़ा दूंगा। इसके बाद बिसेन ने आरटीओ को गंदी गंदी गालियां दी। गौरीशंकर बिसेन के बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि ये उनका स्वभाव रहा है, ये उनकी सोच और उनकी भावनाओं को दर्शाता है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।